बाद पवन सिंह ने ठान लिया है कि अपने दर्शकों को एंटरटेन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। तभी तो उनकी फिल्म बॉस का पोस्टर रिलीज किया गया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अरविंद चौबे और भाई प्रोड्यूसर हैं प्रेम राय। आपको तो पता है प्रेम राय की फिल्में कैसी होती हैं, कितनी हैवी बजट की होती हैं। साथ ही साथ फिल्म के राइटर हैं वीरू ठाकुर। भाई वीरू ठाकुर जिस फिल्म में पवन सिंह के लिए राइटिंग करते हैं तो वो फिल्म अपने आप में ही सुपरहिट हो जाती है। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं छोटे बाबा। छोटे बाबा वैसे भी पवन सिंह के फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उनकी ज़्यादातर फिल्मों में वही म्यूजिक देते हैं। साथ ही साथ बॉस की जो स्टोरी है आपको बता दें, और इस फिल्म का जो पोस्टर रिलीज हुआ है इसे देख कर ही लग रहा है कि फिल्म में भाई पवन सिंह बने हैं बॉस और गरीबों के मसीहा, जो कि इस फिल्म में एक्शन भरपूर होगा। और फिल्म हो सकता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुले ट्रेलर के बाद इस फिल्म को रिलीज़ भी कर दिया जाए। वैसे पवन सिंह की ऐसी कई फिल्में हैं जो लॉकडाउन के बाद तुरंत की तुरंत उनके ट्रेलर रिलीज़ होंगे और फिल्म भी रिलीज़ होगी। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र, जो कि थोड़े दिनों तक ही थिएटर में चल पाई थी, उसके बाद लॉकडाउन सिचुएशन के कारण सिनेमाघर बंद कर दिए गए थे। और अब ये सुनने में आया है कि पवन सिंह की ये फिल्म फिर से री रिलीज़ की जाएगी। इसके साथ मेहंदी लगा के रखना 3 भी री रिलीज़ की जाएगी। और तो और पवन सिंह की और भी कई फिल्में हैं, जैसे कि घातक। जी हाँ, घातक पवन सिंह की उन फिल्मों में से है जिसका इंतज़ार दर्शक बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि यह फिल्म पवन सिंह की जॉनर वाली ही फिल्म है, एक्शन फिल्म है। लेकिन फिल्म के साथ ये अच्छी बात है कि एक नई हीरोइन आ रही है, नाम है शहर अफसान। नई नहीं कह सकते, मेहंदी लगा के रखना 3 में ऑलरेडी वो आ चुकी हैं, लेकिन पवन सिंह के साथ पहली बार काम कर रही हैं और उन्होंने पवन सिंह के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को हमेशा अच्छा ही बताया है। लेकिन शहर अफसा से जुड़ी एक खबर आपको और देते चले, आजकल शहर अफसा और अक्षरा सिंह बेस्ट फ्रेंड हो चुकी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पवन सिंह की और भी कई ऐसी फिल्में हैं जो कि आप देखना पसंद करेंगे और इसके ट्रेलर भी जल्द ही आएंगे। कैसन हो जाला प्यार की शूटिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, जो पवन काजल राघवानी के साथ फिल्म कर रहे थे। यह फिल्म एक पूरी तरह से रोमांटिक फिल्म है और इस फिल्म में काजल राघवानी पवन सिंह की पत्नी का कैरेक्टर निभा रही हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा, बैक टू बैक बॉस, घातक, कैसन हो जाला प्यार और पवन सिंह की और भी कई फिल्में, जो कि अभी कई अनटाइटल हैं और कई आने वाली हैं, वो सब कुछ हम आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी देते रहेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।